हाय एवरीवन, मेरा नाम सुमेरा है और मैंने मौलाना आज़ाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है। उसके बाद मैंने एक दो जगह पर जॉब की है, लेकिन मुझे उस जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो फिर मैंने बाबुल एनजीओ को ज्वाइन किया है। बाबुल एनजीओ मेरे लिए एक फ़ैमिली की तरह, और वो मुझे फ़ैमिली की तरह ट्रीट करती है। इसके अलावा बाबुल एनजीओ में जो मेरी पोस्ट है वो एज एडमिन की है, और बाबुल एनजीओ के साथ जुड़कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके अलावा बाबुल एनजीओ से मेरा जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना का मतलब ये है कि मैं इस एनजीओ से जुड़ कर के 7 से 8 महीना हुआ। इन 7 से 8 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। अब वो ये है कि हमारा जो फेस्टिवल है 7th BEFF, यानी कि बाबुल इको फिल्म फेस्टिवल, जो कि हर साल मुनक्किद किया जाता है और इस साल भी मुनक्किद हुआ है और अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा है। और इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने से पहले बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और बहुत सारी परेशानी दिक्कत हुई है, लेकिन तमाम टीम के मेंबर्स ने, सर ने उन तमाम चीज़ों को साइड में रख कर के इस प्रोग्राम को मुकम्मल किया है। अब इस प्रोग्राम में बहुत सारी एक्टिविटीज़, या हम लोग कह लें साइड एक्टिविटीज़ हुई है, जिसमें इको कार्टून, इको डॉक्टर, फंडू चैलेंज, इको शूटर, इको शूट, इको स्क्रीनिंग जैसे एक्सेट्रा जैसी चीज़ों जैसी एक्टिविटीज़ को किया गया है। अब इस एक्टिविटीज़ का मकसद ये है कि जैसे कि हमारा फंडू चैलेंज है, फंडू चैलेंज हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 51 AG के तहत ये बताया गया है कि नेचुरल जो भी रिसोर्सेज है उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए और इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना किया जाए। इसके अलावा और जो एको कार्टून है, इस एको कार्टून में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें बनाई गई हैं या फिर जिन लोगों ने भेजा है, उनका मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग, यानी कि सोसाइटी किस तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान कर रही है, वो उस तस्वीर के ज़रिए बताया गया है। इसके अलावा जो इको शूट और इको शूटर, दोभी एक ही तरह की एक्टिविटीज़ थी, लेकिन इसमें से जो इस दो एक्टिविटीज़ का मकसद ये था कि जो हम नेचुरल सोर्सेज का इस्तेमाल छोड़ करके जो आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे किस तरह का नुकसान होगा अभी और आगे चल करके, वो नुकसान से बचने के लिए ये एक्टिविटीज़ की गई है। इन तमाम एक्टिविटीज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि हम इन्वायरमेंट को किस तरह से सेव करें और लोगों को किस तरह से मोटिव कर दें, बस यही इसका मकसद था। और इस एक्टिविटीज़ में ना सिर्फ यंग बल्कि बच्चों से लेकर के ज़यीफ़ लोगों तक का इस एक्टिविटीज़ में हिस्सा रहा है। रही बात, ये प्रोग्राम हुआ है 3 जगह पर, एक जीनियर्स कॉलेज शेखपेट, लमाकान और अमीरपेट मेट्रो स्टेशन में ये एक्टिविटीज़ की गई है। इन एक्टिविटीज़ में सर ने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना अदा किया है, और जिन जो लोग जिस काबिल हैं, जो सलाहियत रखते हैं, उस तरह के काम टीम मेंबर को सौंपे हैं। और इस जो भी पूरे फेस्टिवल है, इसमें गंगाधर पांडे सर, जो कि हमारे बाबुल एनजीओ के फाउंडर हैं, उन्होंने एक पेड़ की तरह अपना रोल अदा किया है, जो वो उस पेड़ के जड़े हैं, और बाकी जितने भी टीम के मेंबर्स हो या इंटर्न्स हो या एनजीओ से जुड़े लोग हैं, वो उसके ब्रांचेस की तरह है। इस जिस तरह एक पेड़ तमाम चीज़ों से मुकम्मल होता है, उसी तरह एनजीओ भी, एक बाबुल एनजीओ भी उसी तरह से मुकम्मल हुआ है। अब चलते हैं, इस एक्टिविटीज़ से हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इसके अलावा इस एक्टिविटीज़ करने के दौरान, या 5 दिन का ये जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के दौरान हमें किस तरह की परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे दो तरह की इसमें हुई है। एक तो ये है कि लोगों को जा जा करके इकट्ठा करना, लोगों को अपनी बात, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि इस इवेंट के दौरान एक ड्रेस कोड रखा गया था, जो कि मैं जिस माशरे से बिलोंग करती हूँ उसमें इस तरह का ड्रेस कोड अलाउड नहीं था। जब मैंने पहली बार पहना तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन आगे चलकर मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हुआ। और मुझे इस ड्रेस कोड से एक बात ये पता चली कि ड्रेस कोड होने की वजह से पता चलता है कि ये एक यूनिटी है, और जो कुछ करने के लिए या फिर कुछ मैसेज देने के लिए लोगों तक आई है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें सीखने को मिली, जिनमें से ये है कि
बहुत सारे एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत सारे लोगों को जानने का मौका मिला है और उनके ख्यालात को जानने का मौका मिला। वो किस तरह के ख्यालात रखते हैं, हर लोग अपनी अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं, अलग अलग ख्याल रखते हैं, वो तमाम चीज़ें सीखने को मिली हैं। एक्टिविटीज़ के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। जब तक गांधी जी का जो एक हॉल है, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, तो इसी तरह हम लोगों ने एक्टिविटीज़ की तो हमें पता चला कि जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये था तमाम प्रोग्राम का मकसद। अब रही बात प्रोग्राम होने के बाद, हम लोगों ने एक आफ्टर पार्टी की थी। ये एक तरह का गेट टुगेदर था तमाम लोगों के लिए। इस प्रोग्राम में या फिर इस गेट टुगेदर में लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, और ख्यालात का इजहार के अलावा लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी बताया अपने टीम मेंबर्स के बारे में, जिससे ये सीखने को मिला कि किन इंसान के अच्छाइयां हैं, किसकी बुराइयां हैं। तो अगर इंसान के पास अच्छाइयां हैं तो वो बरकरार रखें, और जिसकी बुराइयां हैं तो वो अपनी बुराइयों को चेंज करके अच्छाई की तरफ बढ़ें। मैं हमारे जो फाउंडर हैं बाबुल एनजीओ के, गंगाधर पांडे सर, उनका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी। उसके साथ साथ उनकी फैमिली का भी शुक्र अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस में हिस्सा ले सकती हूँ। तो इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का, और बाबुल एनजीओ का शुक्रिया बहुत बहुत।